आफ्टरनून स्टूडेंट्स, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों में ग्रामर पोर्शन जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो हमारा सिलेबस दिया हुआ रहता है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी चीज़ें देता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिपेंड करता है जो ग्रामर बेस्ड पे होती है, जो नॉर्मली ग्रामर बेस्ड पे होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक छोटा सा टॉपिक आजमाया है और टॉपिक का नाम है नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स आपने वर्ब के बारे में पढ़ा होगा या वर्ब के बारे में देखा होगा, वर्ब किस प्रकार से काम करता है और कैसे उसका यूज जो है सेंटेंस में करते हैं। तो ठीक, वर्ब को हम लोग कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे नॉन फाइनाइट्स वर्ब। अब देखिए, मैंने यहाँ पर डिवाइडेशन किया हुआ वर्ब का। वर्ब का डिवाइडेशन मैंने दो पार्ट में किया है। पहला पार्ट मैंने लिखा है फाइनाइट वर्ब्स और दूसरा मैंने लिखा है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स वी कैन से दैट वर्ब्स आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज फाइनाइट वर्ब एंड सेकेंड इज नॉन फाइनाइट वर्ब। और मैंने यहाँ पे शॉर्ट तरीके से, बहुत ही छोटे तरीके से समझाने का, एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हम लोग फाइनाइट वर्ब को समझ पाएंगे और किस तरीके से नॉन फाइनाइट वर्ब को समझ पाएंगे। तो एक छोटा सा रूल्स है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनाइट वर्ब में चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस, यानी कि जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट एंड टेंस। यानी कि फाइनाइट वर्ब का जब हम लोग सेंटेंस में उपयोग करते हैं तो वो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे आप देखिए आई वांट टू गो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट कर रहा है आई वांट टू गो। अब इसमें देखिए आपका फाइनाइट वर्ब क्या है, वांट्स है, ठीक है। अब सेकंड देखिए ही वांट्स टू गो, यहां पे वांट्स हो गया है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंडिकेट कर रहा है। यहां पे देखिए जो फाइनाइट वर्ब था वांट था और यहां पे क्या हो गया है, वांट्स हो गया है। अब थर्ड एग्जांपल देखिए ही वांटेड टू गो, ये पांच इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट कर रहा है और यहां पर जो हमारा फाइनाइट वर्ब है वो क्या हो गया है, वांटेड हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल वांट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस, यहां पर वो ये जो वांट है वो फाइनाइट वर्ब को इंडिकेट कर रहा है और टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को परिवर्तित करता हुआ चला जा रहा है। फर्स्ट एग्जांपल में वांट, सेकंड में वांट्स और थर्ड में वांटेड हो गया है। अब देखिए व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फॉर नॉन फाइनाइट वर्ब, इन दिस फॉर्म वी कैन से दैट देयर इज नो चेंज, इट मींस क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस नॉन फाइनाइट वर्ब नो चेंज, इसमें कोई या किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। यहां पे देखिए मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है आई वांट टू गो ही वांट्स टू गो ही वांटेड टू गो, यहां पे नॉन फाइनाइट सोचने वाली बात है क्या है, तो ये टू गो और टू गो ये तीनों क्या है, ये तीनों नॉन फाइनाइट वर्ब को इंडिकेट कर रहे हैं, जबकि यहां पे लिखा है वांट वांट्स और वांटेड, ये क्या है, ये आपका फाइनाइट वर्ब को इंडिकेट कर रहा है। अब जो मैंने एक छोटा सा टॉपिक आपको बताया था वो मेरा टॉपिक क्या है, नॉन फाइनाइट। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स नॉन फाइनाइट आर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, फर्स्ट इज इनफाइनाइट, सेकंड इज जीरल एंड थर्ड इज पार्टिसिपल। अब फर्स्ट पॉइंट को मैं इंडिकेट करना चाह रहा हूं इनफाइनाइट, मैंने आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन किया हुआ है टू राइट टू प्ले टू गो, ये सब क्या है, ये इनफाइनाइट को इंडिकेट कर रहा है, अर्थात जिस वर्ब के ठीक पहले टू लग जाए वहां पर क्या हो जाता है, वर्ब इनफाइनाइट वर्ब को इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए जीरट मैंने यहां पर लिखा हुआ है, जीरट का मैंने एग्जांपल भी यहां पर लिखा हुआ है, जीरट में क्या होता है, जीरट में वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है प्लेइंग डांसिंग, ठीक है, ये सब क्या है,
ये सब जो है जीरंट है और ये किसके फॉर्म में है, नॉन वायलेंट वर्ब के फॉर्म में है। अब मैंने यहाँ थर्ड पार्टी लिखा हुआ है पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल को भी अकॉर्डिंग टू रूल्स ये तीन पार्ट में इंडिकेट मैंने किया हुआ है, अर्थात देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड इज पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड इज परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम कैसे इंडिकेट कर रहे हैं, मैंने अभी लिखा है प्लेइंग डांसिंग, तो जैसे हम जीरंड का प्रयोग करते हैं ठीक उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी प्रयोग करते हैं, अर्थात वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। एंड सेकेंड इज पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल में देखिए स्पोके ब्रोके एंड रिटेन का एग्जांपल लिखा हुआ है, स्पोक का ये सेकेंड या थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म हो गया, ब्रोक का सेकेंड फॉर्म और राइट ब्रोक रिटेन होता है, ये भी क्या है ये पास्ट पार्टिसिपल को इंडिकेट कर रहा है, अर्थात जब हम वर्ब के पार्ट को फॉर्म को चेंज कर देते हैं, जैसे वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, तो जब हम तीनों को चेंज करते हैं तो वो चेंज करने की प्रक्रिया जो होती है वह पास्ट पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग आती है। एंड थर्ड रूल इज परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल में देखिए किसका प्रयोग किया गया है, हैविंग रिमेन हैविंग के सेंटेंस में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब कि जो वर्ब में के ठीक पहले लिखा जाता है हैवी का प्रयोग किया जाता है यहां पर, तो वो किस में जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल में आता है। तो इट इज क्लियर दैट नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर थ्री टाइप्स, फर्स्ट इज इनफाइनाइट, सेकंड इज जीरंड एंड थर्ड इज पार्टिसिपल, एंड देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ पार्टिसिपल, फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड इज पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड